रिश्तों के आरोपी शर्जील को पटना से दिल्ली लाया जा रहा है। आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में शर्जील की पेशी है। कल शर्जील को जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा का। अमिताभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, शर्जील को कल जहानाबाद से लेकर पटना लाया गया था और पटना में महिला थाना में उसे रात भर रखा गया था और आज सुबह 10:45 की फ्लाइट से उसे दिल्ली लेकर जाया जाएगा। 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को मिला है जहानाबाद कोर्ट से और इसके बीच में उन्हें 24 घंटे के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस जो है जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहती है। फिलहाल रात में शर्जील महिला थाना में रुका था और वहीं पे उसने खाना भी खाया और जो उसके साथ दो लोग थे जो उनके वकील बताए जा रहे थे वो भी पटना में थे। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से कल जहानाबाद में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से उनके परिजन लगातार यह कहते कि वो सरेंडर करने जा रहा था, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो घर से निकल रहा था। इसी बीच पुलिस की टीम जो लगी हुई थी उसने मौके पर उसे गिरफ्तार किया था। और अमिताभ, दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारी वहां पर मौजूद हैं? ठीक है, दिल्ली पुलिस की दो टीम पटना में थी, एक टीम पटना थी, एक जहानाबाद थी और दोनों ही टीम वहां मौजूद है। रात भर उन काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहानाबाद से लेकर पटना तक लाया गया था और यहां पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से महिला थाना में रखा गया था क्योंकि यह एयरपोर्ट के नजदीक का थाना था और यहां पे ज्यादा हंगामा होने की स्थिति नहीं थी क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक होने के चलते महिला थाना को का चुनाव किया गया पटना जिला प्रशासन द्वारा और वहीं पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रखी गई थी। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद थी और करीब